मोनिया हिंदी में आपका स्वागत है। गुजरात के सूरत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ बीती रात तकरीबन 3 बजे ONGC गैस प्लांट में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर थी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। ONGC गैस प्लांट में धमाका इतनी तेज था कि आसपास के गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि धमाके के वक्त उनके घरों की खिड़कियां हिलने लगी थी। लोगों का कहना है कि आग इतनी जबरदस्त थी कि कई घंटों तक प्लांट से धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आगजनी की इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। सूरत के जिला अधिकारी धवल पटेल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। धवल पटेल ने बताया कि धमाके में अभी तक किसी के मारे जाने या घायल होने की खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल आग लगने की वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया है। आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर से ही आग की ऊंची लपटें दिखाई दे रही थी। ANI ने आग का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें दो जगहों पर आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिख रही हैं। आग लगने के कारण आसपास धुआं भर गया है। आपको बता दें कि सूरत स्थित ONGC के प्लांट में आग लगने की घटना पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी यहाँ कई बार आग की घटनाएं हो चुकी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।